ही इज जेम्स जॉर्ज फ्रेजर. सो फ्रेजर 1854 to 1944 वॉज अ क्लासिकल इवोल्यूशनरीज. ही एम्फसाइज्ड ऑन रिलीजन मैजिक. तो फ्रेजर ही एम्फसाइज्ड ऑन रिलीजन एंड मैजिक. इज लिटररी कॉन्ट्रीब्यूशंस वर द गोल्डन बाउ, द साइकेटास्क, टोटेमिज्म एंड एक्सोगेमी, द बिलीव इन इमोर्टैलिटी एंड वर्शिप ऑफ डैड, फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट 1918 एंड वर्कशिप ऑफ द नेचर 1926, माइथोलॉजी एंड आफ्टर मैथ. तो फ्रेजर कहाँ से थे? तो जेम्स फ्रेजर वॉज फ्रॉम ग्लासगो, यूके, 1854 to 1941. सो ई बी टॉयलर फर्स्ट फ्रॉम लंदन, यूके. अभी हमने देखा टाइलर को, ये फ्रेजर, दोनों ही कहाँ से हैं? यूके से हैं. एंड उन्होंने माइथोलॉजी, आफ्टर मैथ, ये सारे इनके लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो फिलहाल की बात करें लिटरेचर क्या लिखे, फिलासफी, लॉ, रोल प्लेड बाई हिम प्रपेयरिंग द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका. तो उन्होंने रोल प्ले किया इन द प्रिपेयरिंग द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका ऑफ द विलियम स्मिथ. ही वॉज अ ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट. 4000 से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका में. तो विलियम स्मिथ, ही वॉज अ इंजीनियर एंड जियोलॉजिस्ट. ही वॉज नोन फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ साइंस ऑफ स्टेटिग्राफी. सो विलियम स्मिथ इज नोन फॉर द साइंस ऑफ स्टेटिग्राफी. सो विलियम स्मिथ इज अ इंग्लिश जियोलॉजिस्ट. फर्स्ट डिटेल नेशन वाइज जियोलॉजिकल मैप ऑफ एनी कंट्री वॉज डेवलप्ड बाई दिस विलियम स्मिथ जियोलॉजिस्ट. ही इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश जियोलॉजी. सो इज जेम्स फ्रेजर. सो द रोल प्लेड बाय द जेम्स फ्रेजर इन डेवलप प्रिपेयरिंग द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑफ विलियम स्मिथ. ही वॉज अ ब्रिटिश डिफ्यूजनिस्ट. अप्रोचेस क्या है, कोई फील्ड वर्क नहीं था. स्ट्रॉन्ग सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने यूज़ किया था, टाइलर की तरह. ये भी यूके में बैठ के ये सिर्फ सेकेंडरी सोर्स को रेफर कर रहे थे. इंटरेस्ट इन द प्रिमिटिव कंपेरेटिव अप्रोच था. साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड पे फोकस करते थे एंड स्टडी ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी बाय कंपेयरिंग द कल्चर्स वर्ल्ड वाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज. ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करते बाय कंपेयरिंग द कल्चर्स वर्ल्ड वाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सोर्सेज. फ्रेजर ने भी सेकेंडरी सोर्सेज को इन्होंने स्टडी किया. फ्रेजर ने स्टडी किया सेकेंडरी सोर्सेज को. तो फ्रेजर ने फॉलोइंग इवोल्यूशनरी सीक्वेंस दिया था, मैजिक से रिलीजन एंड रिलीजन से आया साइंस. मैजिक से रिलीजन, रिलीजन से साइंस. टाइलर का था एनिमिज्म टू पॉलीथिज्म टू मोनोइज्म. इन्होंने बोला है मैजिक टू रिलीजन, रिलीजन से साइंस. तो ये किसने दिया था? ये फ्रेजर ने दिया था. एनिमिज्म टू पॉलीथिज्म मोनोइज्म ये टाइलर ने दिया, और फ्रेजर ने दिया है मैजिक टू रिलीजन एंड साइंस. फ्रेजर गिव द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी सीक्वेंस फ्रॉम मैजिक टू रिलीजन टू साइंस. मैजिक रिलीजन साइंस कंसेप्ट. सो फ्रेजर इवोल्यूशनरी सीक्वेंस डिफ्यूजन डिफरेंस इन सिमिलैरिटी वॉट आफ्टर साइंस. तो इसमें स्टेजेस में कैरेक्टरिस्टिक क्या था? साइंस में मैनिपुलेशन ऑफ नेचर बाई करेक्ट लॉस. मैजिक में क्या था? स्यूडो साइंस, दैट बास्टर सिस्टर ऑफ साइंस भी बोलते हैं मैजिक को. इरेशनल लॉज होते हैं यहाँ पे, मैजिशियन एज अ प्रैक्टिशनर होता है यहाँ पे. रिलीजन में क्या था? प्रीस्ट एज अ इंटरबिटरी, बिलीफ इन द हाई सुपरनेचुरल पावर और रिकॉग्निशन ऑफ द लिमिटनेस ऑफ द ह्यूमंस, लिमिटेडनेस ऑफ द ह्यूमन, कि ह्यूमन्स लिमिटेड है, सब कुछ भगवान का किया तरह है. तो रिलीजन यहाँ पे आ जाता है. साइंस मैनिपुलेशन ऑफ नेचर बाई करेक्ट लॉज. सो बात की फ्रेजर ने बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, द एक्जिस्टेंस अलोन कन्फर्म द बिगनिंग इन द बिलीव इन द रिलीजन एंड सुपर नेचुरल. अगर बरियल प्रैक्टिसेस है मतलब देर इज अ कन्फर्म बिगनिंग ऑफ द बिलीव इन द सुपर रिलीजन सुपर नेचुरल. मैन स्टार्टेड टू बरी पीपल टू फ्रू दैट मे बी पर हैप्स मैन स्टार्टेड बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर डेथ. आर्कियोलॉजिकली वी माइट सी दैट देर आर फॉसिलाइज इंडिविजुअल हैव बीन फाइंड. नॉट एवरी फॉसिलाइज बॉडी मे बी इंटेंशनल वन, कुछ कुछ ऐसे ही दब गए होंगे. और पॉट बरियल बोले देखे तो इंडिविजुअल इज प्लेस इन द पॉट. सो ए वेरी यंग चाइल्ड इन्फेंट डाइज दे बरीड इन अ पॉन्ट ऑल्सो फॉर इंसिनरेटिंग द बॉडी. द एशेज ऑफ द डेड बॉडी इज पुट इन द पॉट एंड बरीड इन ब्रोज सिविलाइजेशन चैलकुलेट के जी पॉइंट पॉट बरियल ऑफ द इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द बिलोंगिंग्स ऑफ दैट इंडिविजुअल पुट इन द पॉट एंड बरीड. दिस कन्फर्म द इंटेंशनल बरियल. अगर पॉट में कुछ बिलोंगिंग्स रखे मतलब इट वॉज इंटेंशनल बरियल. फिर नियंडरथलेंसेज मैन प्रोवाइडेड अ वेरी क्लियर प्रूफ ऑफ द इंटेंशनल बरियल एग्जिस्टिंग. देखो नियंडरथल किससे पहले थे? दे वर एग्जिस्टेड बिफोर द होमो सेपियंस इन इराक. शानीदार आर्कियोलॉजिकल साइट है, नॉट ओनली नोन फॉर इंटरनेशनल बरियल इंटेंशनल बरियल बट ऑल्सो वेरी क्लियरली एस्टैब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल एसोसिएट विद द डेथ. तो यहाँ पे रिचुअल्स होते थे एसोसिएट विद द डेथ. अ मम्मी फाइंड ब्रेफ्ट बॉडी बरिड इन द डीप केव्स. मम्मीफाइड ब्रेफ्ट बॉडी डीप केव्स में रखी गई. ओवर द बॉडी फॉसिलाइज्ड फ्लोरल एविडेंस पर फाउंड. फॉसिलाइज्ड फ्लोरल एविडेंस मिले. फ्लोरल एविडेंस मतलब फूल वूल चढ़ाए गए होंगे. दिस शोज दैट नियंडरथलेंसेस मैन माइट बी द फर्स्ट मैन हु स्टार्टेड बिलीविंग लाइफ आफ्टर दैट हैज अ बरियल प्रैक्टिस स्टार्टेड. तो कहाँ पे? शानीदार आर्कियोलॉजिकल साइट इराक.
तो इराक में यहाँ पे शानीदार केव है, तो इस केव के अंदर, सो इराक, इराक में शानीदार केव, इस केव के अंदर बरियल प्रैक्टिस में लिया किसके, नियंडरथल्स की, नियंडरथल्स की, 65,000 to 35,000 ईयर्स अगो, इट इज़ शानीदार, इट इराक, कुर्दिस्तान वाला एरिया है यहाँ पे, तो कुर्द्स रहते हैं, इट इज़ शानीदार आर्कोलॉजिकल साइट, तो एच डी संकालिया के एविडेंसेज एंड डेक्कन कॉलेज पुणे, तो बिलीव इन द सुपर नेचुरल इज कन्फर्म्ड बाई थ्रू द बरियल प्रैक्टिस, तो हसमुख धीरज लाल संकालिया एच डी संकालिया है, इंडियन संस्कृत स्कॉलर एंड आर्कियोलॉजिस्ट इन द स्पेशलाइजिंग द प्रोटो एंड एशियन हिस्ट्री, तो यू पाइनियर्ड द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन टेक्निक्स इन इंडिया, इट वॉज फ्रॉम 1908 to 1989, बॉर्न इन मुंबई, एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडन. According to Fraser, the magic was the earliest stage of human evolution. He believes that magic operates certain laws or the principle. So laws and processes. So by performing these processes in the ambit of the laws, you can actually confirm that there is ensured or assured result. So he believed that according to this Fraser, magic operates on certain laws and principle and processes. By performing these processes in the ambit of these laws, you can actually confirm that there is ensured or assured result. So what is magic? So magic is seen as a mechanism where there is, where in you subject the supernatural to your whims and fancies. So magic is seen as a mechanism where you subject the supernatural to your whims and fancies. आप subject करते supernatural को to your whims and fancies. Meaning man is considered to superior to the nature. Man superior है, magic से control कर सकता है nature को. And various aspect in the nature from time to time would be obeying the commands of the man. तो जो major forces हैं man की command मानेंगे magic को use करके. Laws followed by magic were pretty well explained by the Fraser. कौन कौन सी law magic को follow करते हैं, तो ये Fraser ने काफ़ी अच्छे से explain किया था. If we talk about the principle of magic, there is a law of similarity, like begets like. For example, homeopathic magic, ऐसे बोलते हैं initiative magic. That is a law of contact. Contagious magic, bringing up, that is bringing up the child, the imprints of the parent are seen in the child. ठीक है, law of similarity. जैसे आप बड़े बच्चा बड़ा होता है तो parents के जो imprints हैं वो बच्चे में दिखते हैं. फिर sorcery होता है, तो voodooism. An object is made replica of the person who want to cause damage. Whatever you do to the object happens to the person. Suppose यहाँ पे गुड्डा बना लिया, उसी को ना सुई चुपा रहे तो इंसान को चुपेगी, उसे मार दिया तो इंसान मर जाएगा, तो ये होता है सॉर्सरी. सो वुडोइज्म इज अ रिलीजियस क्राफ्ट प्रैक्टिस चीफली इन द कैरेबियन कंट्रीज दैट इन्वॉल्व्स विचक्राफ्ट एनिमिस्टिक डेटीज, दिस इज वुडोइज्म. सो इन द लॉ ऑफ कॉन्टेक्ट, वंस इन कॉन्टेक्ट ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट. इन द मैजिक वॉट यू हैव बीन डन टू बिलोंगिंग टू अ पर्सन दैट रेप्लिकेट्स टू दैट पर्सन, तभी बोलते हैं बाल बाल यहाँ पे मत छोड़ो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द मैन मस्ट हैव रियलाइज मैजिक इज नॉट इंश्योरिंग द रिचुअल, समटाइम इट इज हैपनिंग, समटाइम इट इज नॉट, इट इज लाइक हिट एंड रन काइंड ऑफ थिंग. इन दिस वे मैजिक इज नथिंग बट बंडल ऑफ इरेशनल लॉस. सो इन द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन देन इमर्जेज रिलीजन, बेसिक थिंग वी सी रिकॉग्निशन ऑफ द लिमिटेडनेस ऑफ द ह्यूमंस. Believe in the supernatural and priest as an intermediary. But religion had its own flaws. When he started to ask question, and religion was no more giving the answer. When religion was failing, the age of science began. That is also a phase when you try to analyze the nature and its power. Issue with the Fraser is that he did not deal with the what is after science. Science ke baad kya usse deal nahi kiya Fraser ne. Science ek chhod diya tha, magic, religion and science. Science ke baad khatam. So during Renaissance time, religion itself was questioned. रेनेसांस आ रहा था, तो जैसे रेनेसांस में क्या आ रहा है, आपने ब्राज़ील ढूंढ लिया और ये अमेरिका ढूंढ लिया, तो वो तो मेंशन ही नहीं है इनकी बाइबल में, तो रिलीजन को ही क्वेश्चन करने लगे लोग. सो यू टॉक अबाउट द पोस्ट मॉडर्निज्म, तो गॉड मैन एंड अर्थ. सो गॉड देयर वाज एन आइटम एंड व्हेन मैन एट्रीब्यूटेड एवरीथिंग टू द गॉड कंसिडर टू बी सुप्रीम एंटिटी, गॉड को सुप्रीम एंटिटी माना जाता था. फिर मैन टू कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग इन हिज ओन एज ही स्टार्टिंग क्वेश्चन इन द गॉड, ही कंसिडर हिमसेल्फ हिम एज अ सुप्रीम. For example, the technology, rationalism, reason, questioning करने लगा man. And then he thought that God is either absent or functionless. He with the knowledge of technology can now command nature. कि अपनी technology and technology का use करके nature को command कर सकते. Then he started exploiting natural resources. And आ गया ace of, that is scientism. Voodooism क्या है, ritual cult practice chiefly in the Caribbean countries. इन्वॉल्व विचक्राफ्ट एनिमिस्टिक डेटीज, हुडोइज़म भी बोलते हैं, हुडो
What is scientism? That so thought or expression regarded as a characteristic of scientist. So known as the age of scientism. Man failed to realize its limitedness, and he saw the nature is replenishing itself after exploitation. But he failed to notice that the threshold after which nature won't be able to replenish itself. So in other words, man was largely exploitative destroyer. If he had to undo the damage after reconstruct, there is only particular limit beyond which he can't do anything. This is realization come very later. The nature at the one point of time superseded man. It was called retaliation. It would retaliate. The nature at a point in time would supersede the man. Superseding the man, it would retaliate. So when nature started retaliating in the 20th century, man started to cry earth. So it's called earth center time. So when nature started to retaliate in the 20th century, man started to cry earth. So it is called earth center time. Man did not go back to the previous time of the god because of so much egoism. And he started to talk about the things like sustainable development, sustainable ways of living. Man knows that there is a problem somewhere else, or maybe he does not recognize the problem, that he is not understanding or recognizing God. He has no clue now. Present pandemic due to the COVID, neither he is going back to the God, nor he is in the position to have nature under its control. This is postmodern man. He doesn't know what to do. He is not aware of who he is and not aware of what he has to do. The true dung card, talking to each other, they yacked one gentleman, naval officer that were there. The officer got angry and said that, don't you know who he is? The person talking to each other, officer, is much chaos than us. We don't know where we are, but the gentleman doesn't know who he is. That is the situation of the postmodern man. So what is the criticism of Fraser? Post-science society is not dealt with. At the time with he was writing, he had seen all these things, magic, religion, science, were coexisting then British society. So these magic, religion, science were coexisting in the British society. And it looked non-empirical that man enter one stage after leaving other. They rather failed to explain that the question that as on today is not on the all the society at the same level, culture, technology, evolution. He rather failed to explain that the question that is on today, that not all the society at the same level of culture, technological evolution. So even at the point of classical evolutionist time, when different culture were at different level of evolution, how was it really possible for the psychic unity of mankind was there? Even at the point of classical evolutionism time, when different culture were at different levels of evolution, how it is really possible the psychic unity of mankind was true? Answer given by classical thinker is that certain cultures are better equipped to mold the nature and use resources in for better manner than the other cultures. By saying so, they are negating their own hypothesis of psychic unity of the men.